हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। इस वर्ष भगवान परशुराम की जयंती 3 मई 2023 को होने वाली है। इसी दिन हिंदू अक्षय तृतीया भी मनाएंगे। कैसे मनाई जाती है परशुराम जयंती? परशुराम जयंती के एक दिन पहले ही उनकी शोभा यात्राएं निकलनी शुरू हो जाती हैं और डीजे के साथ बड़े धूमधाम से भगवान परशुराम की शोभा यात्रा निकाली जाती है। परशुराम जयंती के दिन सक्षम लोग श्रद्धालुओं के लिए हलवा, पकौड़ी और फलों का नाश्ता करवाते हैं। परशुराम जयंती की तिथि। परशुराम जयंती यानी अक्षय तृतीया की तिथि मंगलवार 3 मई 2023 को 5:20 से शुरुआत और समाप्ति 4 मई 2023 दिन बुधवार को सुबह 7:30 तक है। परशुराम जयंती का महत्व। अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम की पूजा करने से अज्ञात शत्रुओं से आपको मुक्ति मिल सकती है। परशुराम जयंती पर व्रत करने से आपको मिलने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होगा और आपको मनचाहे फल की प्राप्ति होगी। परशुराम जयंती 2023 की पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। परशुराम जयंती के दिन सबसे पहले आप अपने आसपास के किसी नदी में जाकर स्नान कर लें और यदि आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो गंगा जल को थोड़े पानी में मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। परशुराम जयंती के दिन अगर आपको व्रत करना है तो आपको किसी प्रकार का अन्न नहीं खाना है। अगर कोई बच्चा या बड़ा भी भूख लगे तो फलाहार कर सकते हैं। भगवान परशुराम की तस्वीर के सामने आकर दीप जलाएं और पूजा करके भोग लगा दें। भोग लगाने के बाद आपको कुछ मात्रा में प्रसाद ग्रहण करना है, उसके बाद बाकी प्रसाद को गरीबों में बांट दें। इस दौरान ध्यान रहे कि आपको हिंदू धार्मिक ग्रंथ श्रीमद् भागवत का पाठ नियमित तौर पर करना चाहिए। भगवान परशुराम आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी हमारी कामना है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको किसी विषय पर वीडियो बनवाना है तो कमेंट बॉक्स में जाकर हमें जरूर लिखें।